हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वातिज क्रिएशन। आज मैं आपके लिए 4 to 4.5 ईयर्स के जो बच्ची का स्वेटर है वो लेकर आई हूँ। उसकी मेज़रमेंट आपको बताने वाली हूँ कि उसको मैंने कितना उसकी लेंथ रखी है, कितनी स्लीव्स की लेंथ रखी है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस स्वेटर के लिए ये जो वूल है ये थोड़ी सी थिक वूल है। आजकल मार्केट में जो हमारी लोकल मार्केट है वहाँ पर ईजिली अवेलेबल है, वो वाली वूल ली है। ये बेबी वूल नहीं है, ये थोड़ी सी इसमें ना शाइनिंग जैसी है। तो और ये जो डिज़ाइन है ये ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, देखिएगा कितना सुंदर डिज़ाइन है। और इस स्वेटर में मैंने यहाँ पे ऊपर कॉलर बनाई हुई है जो कि बिल्कुल डिफरेंट कॉलर है, देखिएगा थोड़ी बहुत बहुत ही सिंपल ये कॉलर है। ये देखिए ये कॉलर मैंने बनाई हुई है। तो चलिए हम इसकी मेज़रमेंट करते हैं कि हमने इसकी लेंथ कितनी करी हुई है। तो देखिए पहले तो क्या किया है मैंने, ये छोटा सा यहाँ पे बॉर्डर बनाया है और बॉर्डर से ऊपर हमारी जो है आर्म होल तक हमारी जो लेंथ है वो कितनी है वो उसको हम मेज़र करेंगे। तो देखिएगा ये पहले हमने, ये आप चाहे 1 इंच का बॉर्डर करिए, 2 इंच का बॉर्डर करिए, कितना भी बॉर्डर करिए, उसके बाद मैंने ये जो लेंथ है वो इंच टेप से मैं आपको माप के बताती हूँ। जो ये हमारी आर्म होल की कटिंग से पहले की लेंथ है वो मैंने 12 इंच के करीब करी हुई है। देखिए ये, देखिए ये 12 इंच के करीब मैंने इसकी जो है लेंथ करी हुई है। और आर्म होल्स ये की जो कटिंग करने के बाद देखिए हमारी यहाँ से हम मेज़र करेंगे, तो यहाँ से आप देखिएगा जहाँ से कटिंग हमारी ये होती है 6 है, 6 इंच के करीब हमारी ये पूरी लेंथ है। देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक 12 है और जो आर्म होल की कटिंग करने के बाद जो हमारी लेंथ है वो 6 इंच है। उसके बाद हम इनकी इसकी जो है स्लीव्स में आ जाते हैं। स्लीव में क्या किया है मैंने, फंदे डालने के बाद यहाँ पे साइड में एक एक फंदा इंक्रीज करती हुई गई हूँ तो इस स्लीव की परफेक्ट शेप आ जाती है। ये जो डिज़ाइन है थोड़ा सा ये खुलने वाला है ऐसे करके, ये थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वाला डिज़ाइन है तो आपको ऐसे लग रहा होगा, बट जब ये बहुत खुला खुला सा बना हुआ है। देखिए बॉर्डर के बाद इसको हम मापते हैं तो ये भी मैंने 12 इंच रखी हुई है। देखिएगा बॉर्डर के बाद, बॉर्डर आप चाहे जितना मर्जी करिए, 1 इंच का करिए, 2 इंच का करिए, बॉर्डर के बाद मैंने इसकी जो लेंथ है जो आर्म होल की कटिंग तक की जो लेंथ है और उसकी जो ये कटिंग है ये गोलाई में मैंने करी हुई है। मैं इसको वीडियो आपके साथ ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ तो वो ये भी मैंने 12 करी है। जो मैंने यहाँ से बॉर्डर से यहाँ शोल्डर तक की ये आर्म होल की कटिंग तक की लेंथ रखी है वही मैंने स्लीव की लेंथ रखी है। तो देखिए जैसे हम ऐसे करेंगे तो ये दोनों हमारी बराबर रहेंगी। और ये 4 साढ़े 4 साल के बच्चे को आराम से आएगी, जो आपकी नॉर्मल हाइट का बच्चा होगा उसके लिए बिल्कुल। कई बच्चे होते हैं जो उनकी हाइट जो होती है अपनी एज के हिसाब से ज़्यादा होती है या कम होती है, उसके लिए तो नहीं है, जो नॉर्मल हाइट के बच्चे हैं उनके लिए मैं ये स्वेटर आपके लिए लेकर आई हूँ। तो देखिए बैक साइड भी इसकी हमारी ऐसे करके बनी हुई है। बहुत से लोग मुझसे इसकी मेज़रमेंट या फिर पूछते रहते हैं कि आपने कितनी इसकी स्वेटर की लेंथ बनाई है और कितने साल के बेबी के लिए बनाया है, तो इस वीडियो में मैंने ये सब कुछ यहाँ पे कवर अप कर दिया है। तो चलिए फिर आप इसे बनाइए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।